हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ और एट्थ क्लास का G5 वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक हमें पैराग्राफ दिया गया है। बेटा, मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी सास सहेलियों ने मुझे फोन पर बधाई दी और सबसे अधिक खुशी की बात थी कि मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतों, सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना और सफाई का ध्यान ना रखना को छोड़ने का प्रण लिया। अब बेटा, इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले उसने पूछा है, इसमें क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है अंकों में? देखिए, फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें अंक हमें कौन कौन से दे रखे थे? सबसे पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3। ठीक है बेटा, इस तरीके से नंबर। अब क्या पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें? हमें क्या पैटर्न, मतलब कुछ आपको एक चीज फिक्स दिखाई दे रही है कि कुछ इसमें ऐसा रूल फॉलो हो रहा है? तो बेटा, क्या रूल फॉलो हो रहा है आप देखिए, दो दो नंबर से ये घट रहे हैं। एक तो विषम संख्याएं हैं और दो दो नंबर इसमें कम हो रहे हैं ना, तो ये हम लिख देंगे अपने आंसर में। सेकंड क्वेश्चन है, अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा पहले, तो कहाँ से शुरू था? 3, 5, 7, 9 और 11 हो गया बढ़ता क्रम। यह कैसी संख्याएं हैं? सेकंड का आंसर आप करेंगे, कैसी हैं ये? विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर्स। थर्ड, अपनी जन्म तिथि लिखिए। तो आप यहाँ लिख देंगे अपना बर्थ डेट। नेक्स्ट भी आपने अपने आप करना है बेटा, अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता तो आपको कैसा लगता और आप उस पौधे का क्या करेंगे? तो पौधा मिलने पे आपको क्या फीलिंग होगी, है ना, और पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, ये सब आप यहाँ लिखेंगे। आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बर्थडेज पे, अपने जो भी सेलिब्रेशंस हो उसमें पौधों को गिफ्ट के रूप में इधर अपने सारे रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स को दें। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।